ये कहानी है इंसानों और पिशाचों की, जिनके बीच वर्षों पहले समझौता हुआ था कि इंसान पिशाचों के रास्ते में नहीं आएंगे और पिशाच इंसानों के रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन पिशाचों की हिंसा और उनके खून की प्यास सारी चीजों को खराब कर देती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है नाइट डेथ। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि हमारी दुनिया में पिशाच बहुत सालों से है, लेकिन वर्षों पहले इंसानों और पिशाचों के बीच समझौता हुआ था कि वो शांति से यहाँ पे रहेंगे और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। इसीलिए ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि हमारी दुनिया में पिशाच भी रहते हैं। तभी हम एक जे नाम के लड़के को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है, और गाड़ी में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है जिसका नाम है मारिया। और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तभी जे की नजर पड़ती है एक वैम्पायर पे जिसका नाम है विक्टर, और जे उसे पहचान जाता है। इसीलिए वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और अब जे को शक हो जाता है कि विक्टर ने जरूर कुछ गलत किया है। इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि उसके सारे साथियों को मार करके लटका दिया गया है। तभी बाहर विक्टर जे की गर्लफ्रेंड मारिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसीलिए अब जे बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ से बाहर निकलता है। तभी हम बेनी नाम के लड़के को देखते हैं जो जे का सौतेला भाई है, और वो अभी अपनी दादी से मिलने आता है और उसकी दादी के साथ ही जे रहता है। तभी बेनी की मुलाकात होती है जे से, और बेनी सुनता है कि जे फोन पे किसी से बात कर रहा है और बोल रहा है कि उसे एक ड्राइवर चाहिए रात भर के लिए, क्योंकि जे भी एक ड्राइवर है लेकिन आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाना है। इसीलिए वो आज अपनी नौकरी पे नहीं जा पाएगा। इसीलिए जे चाहता है कि कोई और उसकी जगह पे चला जाए, और बेनी जैसे ही इस बात को सुनता है वो जे से कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तब जे कहता है कि नहीं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन बेनी उससे कहने लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, और जे भी मान जाता है। और वो बेनी को कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम वहाँ काम करने जाओगे तब सबको बोलोगे कि तुम्हारा नाम जे है। और बेनी कहता है कि ठीक है। तब जे बेनी को अपनी गाड़ी दिखाता है और वो बताता है कि वो इस गाड़ी को कैसे चला सकता है और इस गाड़ी में कितने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है। और बेनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है और वो जल्दी ही पहुंचता है अपने क्लाइंट के पास। और इसकी क्लाइंट होती है दो लड़कियां जिनका नाम है जोई और ब्लेयर, और इन दोनों को ही अपना नाम जे बताता है। लेकिन जल्दी ही इन लड़कियों को समझ में आ जाता है कि बेनी नया नया काम करना शुरू किया है। फिर भी वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो उसे 5 लोकेशन देती है और बताती है कि सुबह होने से पहले हमें इस 5 जगहों पे जाना है। और अब बेनी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है क्लब के पास, और ये दोनों लड़कियां उस क्लब में जाने लगती है। लेकिन क्लब में एंट्री के लिए उन्हें एक कॉइन दिखाना पड़ता है जिसपे लाल निशान बना होता है, और इसी कॉइन से उन्हें क्लब में एंट्री मिलती है। और बेनी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी हम जे को देखते हैं जो एक आदमी से मिलता है और वो बताता है कि वैम्पायर्स ने अपना कानून तोड़ा है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जे वैम्पायर्स के कानून से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि इनके बीच क्या समझौता हुआ था। इसीलिए वो विक्टर को देखते ही पहचान गया था कि विक्टर एक वैम्पायर है, और जे अभी जिस आदमी से मिल रहा है ये लोग वैम्पायर का शिकार करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम बेनी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा है। तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी उसका पैर पड़ता है एक कॉइन पे, और वो देखता है कि ये वही कॉइन है जिससे यहाँ पे एंट्री मिलती है। इसीलिए वो उसे उठा करके पॉकेट में रख लेता है। तभी वो ब्लेयर और जोई को बाहर आते हुए देखता है, और इन दोनों के हाथों में बैग्स होते हैं और वो आकर के इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और ये दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि अगली लोकेशन पे चलो, और अब बेनी ने लेकर के जाता है अगली लोकेशन पे, और उसके बाद वो पार्किंग में उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी बेनी देखता है कि लड़कियों ने बैग गाड़ी में ही छोड़ दिया है और उसके ऊपर उनका फोन पड़ा हुआ है। तभी उस फोन पे एक संदेश आता है, और ये संदेश होता है विक्टर का, और इसमें लिखा होता है कि जे कौन है। इसीलिए बेनी को टेंशन होने लगती है और वो जे को संदेश भेजता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही बैग को चेक करता है उसे अंदर बहुत सारे पैसे नजर आते हैं, लेकिन इन पैसों पे खून के धब्बे भी होते हैं। इसी बीच बेनी देखता है कि एक पुलिस वाला यहाँ पे आ गया है और वो हर एक गाड़ी की तलाशी ले रहा है। इसीलिए बेनी चुपके से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वो क्लब के अंदर घुस जाता है। तब उसे बताया जाता है कि ये क्लब सबके लिए नहीं है और कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। तब बेनी वही कॉइन निकालता है जो उसे पिछले लोकेशन पे मिला था और वो काउंटर पे दे देता है। तब वो लड़की उसे अंदर जाने देती है और बेनी अंदर चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही एक कमरा खोलता है वो देखता है कि ब्लेयर और जोई खून पी रहे हैं, वो भी जिंदा इंसानों का। इसीलिए वो देख करके चौंक जाता है। तभी जोई बेनी को पकड़ लेती है और वो उसका खून पीने ही वाली होती है। तभी बेनी कहता है कि मैं जे नहीं हूँ, लेकिन जोई कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा खून पी लूंगी। तभी ब्लेयर उसे रोकती है और कहती है कि इसे मत मारो क्योंकि यही हमें जे तक लेकर के जाएगा। तभी ये लोग जिसका खून पी रहे होते हैं वो आदमी जग जाता है और कहता है कि तुम लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, और अगर तुम्हारे मालिक को ये बात पता लगी तब वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां उसे मार देती है, और बेनी बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका है। इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है, और वो जैसे ही पार्किंग में आता है उसे वही पुलिस वाला नजर आता है। फिर वो उसे सारी बातें बताने लगता है, लेकिन पुलिस वाला इसका विश्वास नहीं करता और वो उसे हथकड़ी लगा देता है। तब बेनी को लगता है कि वो उसे गिरफ्तार कर रहा है और अब शायद वो पुलिस स्टेशन जाएगा, लेकिन ये पुलिस वाला डिक्की खोलता है। तब बेनी को पता लगता है कि ये उसे मारने वाला है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे ब्लेयर और जोई आ जाते हैं, और अब हमें पता लगता है कि ये पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है और वो नहीं चाहता कि ये राज बाहर जाए। तब ब्लेयर और जोई उसे समझाते हैं कि ये हमारा ड्राइवर है, इसे छोड़ दो, और अब पुलिस वाला इसे छोड़ देता है। तब बेनी फिर से मैसेज करने की कोशिश करता है जे को, तभी जोई उसका फोन तोड़ देती है और कहती है कि यहाँ से चल। तभी दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जिसके पास उसके दो बॉस आते हैं और कहते हैं कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने इंसानों को डराया है,
इसीलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। तब विक्टर कहता है कि मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, मेरे ऊपर जितने भी लोग हैं आज मैं सबको मार दूंगा और मैं यहाँ का बॉस बन जाऊंगा, क्योंकि इंसानों के पास हमसे ज्यादा आजादी है और हम चोरों की तरह रहते हैं। और इतना कहने के बाद वो अपने दोनों बॉसेस को मार देता है। तभी हम बेनी को देखते हैं जिसे ब्लेयर सारी बातें समझा रही होती है कि यहाँ पे वैम्पायर के 5 बॉस हैं जो इंसानों से समझौते को कायम रखते हैं, लेकिन विक्टर आज उन सबको मरवाना चाहता है, इसीलिए हम एक एक करके सबको मार रहे हैं। और जब हम मार देंगे तो विक्टर यहाँ का मालिक बन जाएगा और जोई और विक्टर यहाँ पर राज करने लगेंगे, क्योंकि जोई विक्टर की गर्लफ्रेंड है। और ब्लेयर ये भी बताती है कि विक्टर ने तुम्हारे भाई की मदद मांगी थी, यानी जे की। तब जे ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, इसीलिए उसने मारिया को बंदी बना लिया और अब वो जे से बदला ले रहा है। तभी हम जोई को देखते हैं जो बात करती है विक्टर से और बताती है कि उनके पास जे नहीं है लेकिन जे का छोटा भाई है। तो विक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग उसका इस्तेमाल करो, हम जे को भी पकड़ लेंगे। तभी हम जे को देखते हैं जो अपने साथी के साथ पहुंचता है पिशाचों के लीडर के पास। तब उन्हें पता लगता है कि ब्लेयर और जोई ने इसकी हालत खराब कर दी है और अभी जल्दी ही मरने वाला है, इसीलिए मरने से पहले वो जे पे हमला करने की कोशिश करता है। तब ये लोग उसे मार देते हैं। इसी बीच जोई बेनी को बताती है कि ब्लेयर तुम्हें पसंद करती है। तब ये लोग पहुंचते हैं अपने तीसरे लोकेशन पे और जब ये लोग क्लब के अंदर जा रहे होते हैं तभी बेनी यहाँ पे अपने कुछ क्लासमेट्स को देखता है जो बेनी से कहते हैं कि हमें भी एंट्री दिलवा दो, लेकिन बेनी कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब उसके क्लासमेट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें यहाँ पे एंट्री कैसे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लोगों को एंट्री नहीं मिलती। और ब्लेयर इन बातों को सुन लेती है, इसीलिए वो सबके सामने बेनी को किस करती है और इसे देख के उसके सारे क्लासमेट्स चुप हो जाते हैं और ये लोग अंदर चले जाते हैं। और इन दोनों लड़कियों को अपना अगला टारगेट भी नजर आ जाता है जिनका नाम है नाइट लीजन, और अब वो इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी बेनी उनके लीडर पे हमला कर देता है और अब सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए जोई और ब्लेयर भी उन पे हमला कर देती है और वो सबको मार करके यहाँ से भागने लगती है। और वो खुश होती है कि बेनी ने उनकी मदद की है, लेकिन वो लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी यहाँ पे जे आ जाता है। और अब जे कंफ्यूज हो जाता है कि बेनी क्या कर रहा है ब्लेयर और जो के साथ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये लोग उसके पैसेंजर्स हैं, इसीलिए वो उसे आवाज देने लगता है और उसके पास जाने लगता है। तभी एक वैम्पायर आकर के जे का रास्ता रोक देता है और इस बात से जे को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे मार देता है। और मार के यहाँ से जैसे ही निकलता है नाइट लीजन वाले उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। तभी हम बेनी को देखते हैं जो दोनों लड़कियों को लेकर के भाग रहा है और लड़कियां कहती हैं कि हमें कहीं सेफ जगह पे लेकर के चलो। तब बेनी उन्हें अपने घर लेकर के जाता है और जोई यहाँ से कॉल करती है विक्टर को और कहती है कि पूरा प्लान खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तब विक्टर कहता है कि कुछ भी खराब नहीं हुआ, हमारा काम होने ही वाला है। तभी हम बेनी और ब्लेयर को देखते हैं और ये दोनों और भी ज्यादा नजदीक आने लगते हैं, इसीलिए ब्लेयर जोई से कहती है कि अब हमारा काम खत्म होने वाला है, इसीलिए हमें बेनी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जोई कहती है कि नहीं, ये हमारे साथ ही चलेगा और बेनी भी इनके साथ जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि जे खतरे में है। तभी हम जे को देखते हैं और उसके पास वही पुलिस वाला आता है और वो जे को कहता है कि विक्टर तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए जे पहुंचता है विक्टर के पास। तब वो देखता है कि विक्टर मांस खा रहा है। तब विक्टर जे से कहता है कि मैंने लगभग सारे लोगों को मार दिया है और अब मैं यहाँ का राजा बनने वाला हूँ, इसीलिए तुम मेरा ऑफर स्वीकार कर और मेरे साथ काम करने लो। तब जे कहता है कि मारिया कहाँ है और विक्टर कहता है कि मैं जिसका मांस खा रहा हूँ वो मारिया का ही है। और इस बात को सुनते ही जे गोली चला देता है और वो गोली विक्टर के सर के आर पार हो जाती है, लेकिन जल्दी ही विक्टर का घाव भर जाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर है, इसीलिए विक्टर जे को पकड़ लेता है। तभी हम जोई ब्लेयर और बेनी को देखते हैं और वो रोको नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं और अब जोई रोको के साथ चली जाती है और वो इन दोनों को बाहर रहने के लिए कहती है। तब बाहर जाकर के ये दोनों बातें करने लगते हैं और इनकी नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, इसीलिए दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम जोई को देखते हैं जो बातों ही बातों में रोको को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोको को ये सारी बातें पता होती है, इसीलिए उसके आदमी इस पे हमला कर देते हैं। तभी ब्लेयर बाहर बेनी को बताती है कि जे को विक्टर ने पकड़ लिया है और अब शायद वो उसे मार देगा। तभी ब्लेयर देखती है कि जोई पे लोगों ने हमला कर दिया है, इसीलिए वो जोई की मदद करने के लिए जाती है और वो सारे लोगों को मारने लगती है और उन्हें मार करके ये लोग भाग ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नाइट लीजन वाले आ जाते हैं और वो इन पे हमला करने लगते हैं और उनका एक तीर आकर के लग जाता है जोई को। तब बेनी उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और वो उन्हें लेकर के भागने लगता है। और ब्लेयर देखती है कि जोई मर रही है, इसीलिए वो बेनी को कहती है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, लेकिन बेनी कहता है कि नहीं, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। तब तक ये लोग विक्टर के घर पे पहुंच जाते हैं। तब ब्लेयर बेनी को कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और अगर तुम अंदर आओगे तब सारी चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसीलिए तुम चले जाओ। और इतना कहने के बाद वो जोई को लेकर के अंदर चली जाती है और बेनी अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपने भाई को बचाना चाहिए, इसीलिए वो एक डंडा लेकर के अंदर घुसता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि इन लोगों ने बहुत सारे इंसानों को बांध रखा है और वो इनका खून निकाल रहे हैं ताकि उन्हें ताजा खून मिलता रहे। तभी बेनी की नजर पड़ती है जे पे और वो देखता है कि जे भी यहीं पे है और उसे भी ऐसे ही बांध करके रखा गया और उसका खून निकाला जा रहा है। और वो देखता है कि इन सबको एक कांच के अंदर रखा गया है, इसीलिए अब बेनी कांच तोड़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे विक्टर आ जाता है और वो बेनी को पकड़ करके ऊपर ले जाता है। और ब्लेयर जैसे ही बेनी को देखती है वो चौंक जाती है और हम यहाँ पे जोई को भी देखते हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है क्योंकि उसे ताजा खून मिल गया था। तब बेनी यहाँ पे विक्टर से कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे यहाँ पे रख लो। तब
विक्टर कहता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ पे रखूंगा और उसके साथ साथ मैं तुम्हारी दादी को भी यहीं पे रखूंगा और मैं सबका खून पीऊंगा। और इस बात को सुनने के बाद बेनी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है और थोड़ी दूर फेंक देता है। तब बेनी एक बार फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, तब जोई उसे रोक लेती है और जोई मारने लगती है बेनी को। तभी ब्लेयर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ रह के तंग आ चुकी हूँ और मैं इस जिंदगी से भी तंग आ चुकी हूँ। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब जोई ब्लेयर को मनाने लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि अब ब्लेयर पागल हो रही है और वो शायद इन सबका साथ छोड़ दे। इसीलिए विक्टर चुपके से एक चाकू देता है जोई को और जोई वो चाकू मार देती है ब्लेयर को। तभी विक्टर जोई को कहता है कि अब इसे खत्म करो और जोई ब्लेयर को मारने ही वाली होती है। तभी बेनी अपने गाड़ी का रिमोट दबाता है और वो गाड़ी क्रैश करते हुए घर के अंदर घुस जाती है। और अब सूर्य की किरणें आने लगती हैं घर के अंदर और वो किरणें पड़ती हैं जोई के ऊपर, और जैसे ही किसी पिशाच पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वो वहीं पे जल जाता है और जोई के साथ भी यही होता है और जोई मर जाती है। लेकिन विक्टर छुप चुका होता है। तभी यहाँ पे जे आता है और वो बेनी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जे इतना कहता है तभी विक्टर उसे अंधेरे में खींच लेता है। और जब बेनी उसे बचाने जाता है तो विक्टर बेनी को बहुत सारे चाकू मार देता है और जे इस चीज को जैसे ही देखता है वो विक्टर को लेकर के रोशनी में कूद जाता है और विक्टर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब ब्लेयर देखती है कि बेनी मरने वाला है, इसीलिए वो बेनी को काट लेती है ताकि वो एम्पायर बन जाए। और अब ये दोनों एक दूसरे का खून पीने लगते हैं और ये दोनों हील कर जाते हैं। और थोड़े समय के बाद बेनी की आँख खुलती है अपने अपार्टमेंट में, तब उसे पता लगता है कि वो एम्पायर बन चुका है। फिर वो मिलता है जे से और वो उसे एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, और ये वही पैसे हैं जो जोई और ब्लेयर लेकर के आए थे। और बेनी अपनी जिंदगी को एक पिशाच के रूप में ही कंटिन्यू करता है और वो ब्लेयर से मिलता है और ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।